कुमारधोनी के जंगल में तेंदुपत्ता तोड़ने गए व्यक्ति पर दो भालू ने हमला कर किया घायल। वन परिच्छेद बालाघाट के अंतर्गत उमरधोनी के जंगल में अपने परिवार के साथ तेंदुपत्ता तोड़ने गए एक व्यक्ति को दो भालू ने हमला करके घायल कर दिया। भालू के हमले में घायल व्यक्ति नरबदलाल पिता रतिराम बिसाने उम्र 52 वर्ष ग्राम छोटी कुमारी बालाघाट निवासी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार सुबह 5 बजे करीब नरबदलाल अपनी पत्नी और दो बेटी के साथ उमरधोनी के जंगल पहाड़ी में तेंदुपत्ता तोड़ने के लिए गया हुआ था। सुबह 6 बजे करीब उमरधोनी बीट के कक्ष क्रमांक 684 में नरबदलाल अपने परिवार के साथ तेंदुपत्ता तोड़ ही रहा था कि तभी अचानक तीन भालू आए, जिसमें दो भालू ने नरबदलाल बिसाने पर हमला कर दिया। दोनों भालू ने नरबद के बाएं पैर की पिंडली, दाहिने पैर की जांग, कंधा, पीठ को जख्मी कर दिया। भालू के हमले को देख दोनों बेटी और पत्नी ने शोर शराबा शुरू कर दिया, जहां कुछ लोग भी दौड़े और भगाने में साथ दिया, जिसके बाद भालू भाग गए। घायल नरबदलाल को 108 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल बालाघाट में लाकर भर्ती कराया गया। जानकारी मिलते ही वन कर्मचारी जिला अस्पताल पहुंचे, जिन्होंने घायल नरबदलाल बिसाने को प्राथमिक तौर पर 1000 रुपए राहत राशि दी है। क्या नाम तुम्हारा? बिसाने। ये कौन है? पापा है नरबदलाल बिसाने। अच्छा, आज कहाँ गए थे और कैसे क्या हुआ? उमर धोनी गए थे पत्ते के लिए, तो थोड़ा पत्ता तोड़े थे और आगे बढ़ रहे थे, इस पर हल्ला की सब लोगों ने, तो वो रीस एकदम से नीचे आ गई, तो पापा को मिली, तो तीन रीस थी, तीन में से दो ने पापा के ऊपर हमला की और वो जाँचने रही थी और जा रही थी और आ रही थी, और उसके बाद में फिर हमारे पर सपोर्ट रही थी, तो पापा सामने हुए तो पापा के ऊपर की बहुत हल्ला किए, बहुत हल्ला किए, बहुत चिल्लाए, उसके बाद में भाजी चिल्लाए कैसे गांव तक की, तो हम इस लोग ने उठा चलाए। यहाँ कैसे पहुँचे? यहाँ पे एम्बुलेंस को फोन लगाए, वहाँ पे तो वन विभाग वाले आए थे। हाँ आए थे, वहाँ नहीं आए थे, यहाँ पे आए थे। वो एक भैया कुछ पैसे थी क्या? हाँ 1000 रुपये। क्या नाम तुम्हारा? इसका बताने। आप देख रहे हैं बालाघाट खबर।